गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. स्टूडेंट ये हमारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है जैसे कि आपको पता है, तो उसमें हमारा क्या है एनिमल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक कट चुका है. सिर्फ हमें इसमें एनिमल टिश्यू पढ़ना है. मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता चुकी थी, इस चार्ट के बारे में भी बता चुकी हूँ. आज हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एबंडेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स. मीन्स जो कनेक्टिव टिश्यू एबंडेंट है और बहुत ज़्यादा क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स फैला हुआ है किसमें, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में. दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू, उनके नेम है कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन. उनका एक स्पेशल फंक्शन है किसमें, ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू. मीन्स ये क्या करता है, लिंक बनाता है, सपोर्ट करता है टिश्यूज को. इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स क्रिएट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू. मीन्स जो भी कनेक्टिव टिश्यू है एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के द सेल्स क्या सिक्रीट करता है, फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के, जिसे हम क्या बोलते हैं कोलेजन और दी इलास्टिन. और इसका क्या फंक्शन है, स्ट्रेंथ देना, इलास्टिसिटी मेंटेन करना एंड दी फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू. दी सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेचराइड है विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड द फाइबर एंड एक्ट एज अ मैट्रिक्स. ओके स्टूडेंट, मीन्स ये क्या कह रहे हैं, जो सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेचराइड हो गए जो कि एक्यूमुलेट हैं किसके बीच में, सेल्स एंड द फाइबर्स के बीच में, और कैसे काम करते हैं, एक्ट एज अ मैट्रिक्स जो कि ग्राउंड सब्सटेंस है. क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड दी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ओके स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो चुका है. नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू. अब आज हम इस चार्ट के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम चार्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमें लर्न बहुत ईजी होता है. कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड दी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. सेल्स एंड दी फाइबर्स, जस्ट अ मिनट, सेल्स एंड दी फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूड ग्राउंड सब्सटेंस. जो सेल्स और दी फाइबर्स हैं लूजली किसमें अरेंज है, सेमी फ्लूड ग्राउंड सब्सटेंस में. ओके स्टूडेंट, उसके नीचे है एरियोला टिश्यू, ये कहाँ पे है, प्रेजेंट बिनेथ द स्किन. कहाँ पे, बिनेथ द स्किन. सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क, किसका काम करता है, फ्रेमवर्क का फॉर एपिथीलियम. क्या कंटेन करता है, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड दी मास्ट सेल. ओके स्टूडेंट्स, एडिपोज टिश्यू क्या करता है, लोकेटेड मेनली बिनेथ द स्किन है, स्पेशलाइज टू स्टोर फैट, फैट को स्टोर करता है. एक्सेस न्यूट्रिएंट्स नॉट यूज इमीडिएटली, जो कि इमीडिएटली यूज नहीं होते, आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू, और वो स्टोर हो जाते हैं. मैं आपको दोबारा बताया कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या जाएगा, सेल्स और फाइबर्स क्या है, लूजली अरेंज हैं, सेमी फ्लूड ग्राउंड सब्सटेंस होता है. एरोलर में क्या आ जाएगा, कहाँ पे है ये, प्रेजेंट बिनेथ द स्किन है. कैसे काम करती है, सपोर्ट देती है, फ्रेमवर्क ऑफ द एपिथीलियम. क्या कंटेन करती है, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल. एडिपोज टिश्यू में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, लोकेटेड मेनली बिनेथ द स्किन है, स्पेशलाइज टू स्टोर फैट, फैट को स्टोर करती है. और एक्सेस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स नॉट यूज इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स, और इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स में, और स्टोर कहाँ पे होती है, इसी टिश्यू में. आगे है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स एंड द फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, प्रॉपर अरेंज्ड हैं, रेगुलर टिश्यू है ये. डेंस रेगुलर टिश्यू में क्या आ जाएगा हमारे पास, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट हैं इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर्स. इसमें क्या है, पैरेलल बंडल्स हैं फाइबर्स के. फॉर एग्जांपल क्या आ जाएगी, टेंडन. टेंडन का क्या फंक्शन है, कनेक्ट स्केलेटल मसल टू द बोन्स. और लिगामेंट्स क्या है, कनेक्ट्स बोन टू बोन. डेंस रेगुलर टिश्यू में क्या आ जाएगा, फिब्रोब्लास्ट एंड द फाइबर्स आर ओरिएंटेड डिफरेंशली. मीन्स जो फिब्रोब्लास्ट और फाइबर्स हैं वो डिफरेंशली ओरिएंटेड हैं और प्रेजेंट इन दी स्किन. ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा फिर एक्सप्लेन करूँगी. ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये कहाँ पे है, फाइबर्स एंड दी फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, मीन्स कॉम्पैक्ट वे में है. डेंस रेगुलर टिश्यू में क्या आ जाएगा, दे आर प्रेजेंट इन द रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल, रोज में है और किसके बीच में, पैरेलल बंडल्स में. टेंडन्स का क्या काम है, कनेक्ट स्केलेटन मसल टू बोन्स, लिगामेंट बोन टू बोन.
डेंस रेगुलर टिश्यू फिब्रोब्लास्ट एंड द फाइबर्स आर ओरिएंटेड डिफरेंशली ओरिएंटेड हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द स्किन। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाएगा, कार्टिलेज में क्या आ जाएगा। इंटरसेलुलर मटेरियल क्या है, सॉलिड है, प्लायबल है। एंड रिजिस्ट क्या करता है, कंप्रेशन को रिजिस्ट करते हैं। सेल्स क्या है, आर इनक्लोज इन अ स्मॉल कैविटी। सेल कहाँ पे बंद होते हैं, स्मॉल कैविटीज में। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन द एडल्ट। जो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस हैं जो वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो, वो कैसे रिप्लेस किए जा रहे हैं, बाय द बोन्स इन द एडल्ट। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजस्टेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन द एडल्ट्स। बोन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हार्ड है, नॉन प्लायबल है, ग्राउंड सब्सटेंस, रिच इन किस में है, कैल्शियम सॉल्ट में है, कोलेजन फाइबर, जो कि क्या कर देता है, बोन को स्ट्रेंथ देता है। क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर फ्रेम टू द बॉडी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट टू द सॉफ्ट टिश्यू। ओके, बोन्स आल्सो प्रेजेंट इन द स्पेसेस लैक्यूने में है, सम बोन्स इज द साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सेल है। और ब्लड में क्या आ जाए, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, एंड द प्लेटलेट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेज। ओके स्टूडेंट्स, कार्टिलेज आपको क्लियर हो गया, इंटरसेलुलर मटेरियल सॉलिड है, प्लायबल है, रिजिस्ट कंप्रेशन को रिजिस्ट करता है। सेल्स किस में बंद है, स्मॉल कैविटी में। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द वर्टिब्रे एम्ब्रियो है, जो कि रिप्लेस्ड बाय कैसे हो रहे हैं, बोन्स इन द एडल्ट। फॉर एग्जाम्पल टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर, ओके, लिम्स, हैंड इन द एडल्ट। बोन में क्या आ जाएगा, हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस है, इन कैल्शियम सॉल्ट में, कोलेजन फाइबर, जो कि क्या देता है, बोन को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी का, सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट टिश्यू को। बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस, उसे बोलते हैं लैक्यूने। ये कहाँ पे प्रेजेंट, बोन मैरो कहाँ पे, स्मॉल बोन्स, सम बोन्स में होता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लड सेल्स। ब्लड में क्या आ जाएगा, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है, कंटेनिंग प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, एंड द प्लेटलेट्स है। और ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो आप डायग्राम भी दिखाएं, आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी, एरोलर टिश्यू भी, एडिपोज टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे मसल टिश्यू के बारे में। ईच मसल इज मेडअप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स है, जो कि किसमें अरेंज है, पैरेलल अरेज में। दीज फाइबर्स आर कम्पोज ऑफ द न्यूमरियस फाइन फाइबर्स, ये किसका बना हुआ है, न्यूमरियस फाइन फाइबर्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायो फाइब्रिल्स। ओके स्टूडेंट, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टिमुलेशन के लिए, उसके बाद वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाते हैं, रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन द कोऑर्डिनेटेड फैशन। ओके स्टूडेंट्स, देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, उसकी एक्शन है, मूव करते हैं बॉडी टू किस में, एनवायरनमेंट, जो जब चेंज होता है उसको मेंटेन करते हैं, पोजिशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपको पता है ना कि एनवायरनमेंट चीज होते हैं तो हमारी मसल हेल्प करती हैं बॉडी को मेंटेन होने में। इन जनरल मसल्स प्लेज एन एक्टिव रोल इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मसल किसमें प्ले करता है, ऑल द पार्ट्स मूव करने में। मसल थ्री टाइप्स हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड दी कार्डिक। कार्डिक मसल आपको पता है, जहाँ पे कार्डिक है तो हार्ट की बात हो रही है। मसल टिश्यू में यहाँ ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स हैं और पैलरीज में हैं। दीज फाइबर्स आर कम्पोज, किसका बना हुआ है, न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायो फाइब्रिल्स। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन और रिलैक्सड होती हैं, फिर रिटर्न कहाँ पर हो जाते हैं, इन द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट, वही कि एनवायरनमेंट जब चेंज होता है हम बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, ये थ्री टाइप्स हैं, स्मूथ, कार्डियक एंड द स्केलेटल। ओके स्टूडेंट्स, मसल में देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको तीनों टाइप्स के बारे में बताती हूँ। स्केलेटल मसल क्या है, क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स, कहाँ पे अटैच हैं, स्केलेटल बोन्स के साथ। स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, फाइबर्स आर बंडल टुगेदर अ पैरेलल फैशन है, कन्वर्टेड बाय द शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि इनक्लोजेस किस में है, सेवल बंडल ऑफ द मसल फाइबर्स में। ओके स्टूडेंट्स, आगे है हमारा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में क्या आ जाएगा स्टूडेंट,
फाइबर टेपर एट बोथ एंड्स, ठीक है, एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशंस, कोई स्ट्रिएशंस नहीं है, सेल जंक्शंस होल्ड देम, सेल जंक्शन उन्हें पकड़ता है, एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट, ठीक है, मीन्स ये बंडल बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू शीट का. इन वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज अ ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, किसकी वॉल में इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इनवॉलंट्री हैं, एज ए फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, दे आर इनवॉलंट्री मीन्स हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते. कार्डिक मसल्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, कहाँ पे प्रेजेंट है, ओनली इन द हार्ट. सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल जंक्शन कैसे फ्यूज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डिक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टूगेदर, उन्हें चिपका के रखते हैं. कम्युनिकेशन जंक्शन क्या है, एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स इसमें हेल्प करते हैं कंट्रेक्शन में एज अ यूनिट. व्हेन वन सेल रिसीव्स अ सिग्नल कॉन्ट्रैक्ट, इट नेबर्स आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट. स्टूडेंट हमने 9th क्लास में ना चैप्टर था टिश्यूज बहुत अच्छे से किया हुआ है, और ना वैसे भी बहुत ईजी वे में था, आप चाहे जिसे टॉपिक आ जाए तो आप उस लैंग्वेज में भी राइट कर सकते हो, मेन आपका रिटर्न पोर्शन ठीक होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए. और स्टूडेंट्स मैं आपको वैसे भी पहले PDF सेंड करती हूँ, आप देखो जब तक आप राइट नहीं करोगे PDF आपके सामने नहीं होगी तब तक आपको समझ नहीं आएगा. प्लीज़ आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर कॉपी में लिखिए, और आप साथ साथ वीडियो देखेंगे, आप अपनी फिंगर रखते रहोगे, आपको सारा का सारा लर्न हो जाएगा. स्टूडेंट्स साथ में बहुत ही ईजी चैप्टर है और हमारा सिलेबस भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं. नीचे आपको दिखाया गया मसल टिश्यू, स्केलेटल मसल्स में दिखाया गया स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड दी कार्डिक मसल. ओके स्टूडेंट्स लास्ट है हमारा न्यूरल टिश्यू, कंसिस्ट ऑफ द न्यूरोन है, न्यूरल ग्लियल सेल्स हैं, एग्जर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, मीन्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल है बॉडी पे, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग द कंडीशन. जब कंडीशन चेंज होती है हम कहते हैं ना एक फिजिकली मेंटेन होना, एक मेंटली प्रिपेयर होना, मीन्स ये किस में हेल्प करता है, एग्जर्ट्स अ ग्रेटेस्ट कंट्रोल होता है हमारी मेंटेलिटी में, ठीक है. मीन्स ये क्या कहते हैं, न्यूरल टिश्यू एग्जर्ट्स अ ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, मीन्स जब कंडीशन चेंज होंगी तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत कंट्रोल करता है ये. न्यूरोन क्या है, एक्साइटेबल सेल है इन द यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम. ओके द न्यूरोग्लियल सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, क्या बनाते हैं रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट एंड दी सपोर्ट न्यूरल, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं एंड दी सपोर्ट करते हैं. न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन द बॉडी, और ये एक मीन्स क्या बनाता है, मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम, 1/2 ऑफ द वॉल्यूम से भी ज़्यादा क्या बनाता है, न्यूरल टिश्यू इन द बॉडी. When a neuron is suitably stimulated, stimulated हो जाएगा, electrical disturbance होंगी, is generated with the which swiftly travels along its plasma membrane. Means बहुत तेज़ी से वो travel करेंगी. Arrival of the disturbance at the neuron endings, ठीक है, means कौन सी disturbance होती है, और the output zone है, क्या triggers करते हैं events that may cause stimulation, क्या cause करते हैं stimulation or the inhibition of the adjacent neurons and the other cells. ओके स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है कि जो एनिमल्स में ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक हमारा रिड्यूस हो चुका है, तो हमें नहीं करना, हमारा ओनली टॉपिक करना है हमें एनिमल टिश्यू. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स अपनी कॉपीज़ को प्रॉपर मेंटेन करो, इन्हें अच्छे से लर्न करो. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.